आज की वीडियो में हम आपको गमटोन जेल के बारे में जानकारी देंगे। इस वीडियो में जानेंगे कि इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, किन किन समस्याओं में किया जाता है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी मार्केट प्राइस कितनी है, इसके कंपोजिशन, साइड इफ़ेक्ट, इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको गमटोन जेल के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल सके। तो गमटोन जेल, इसके मार्केट प्राइस की बात करें तो 82 रुपये इसकी मार्केट प्राइस है और ये 50 ग्राम की पैकिंग में आता है। समय के साथ साथ इसकी मार्केट प्राइस कम या ज़्यादा हो सकती है। और इसके कंपनी की बात करें तो इसको चरक फार्मा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। तो आइए जान लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो यह एक आयुर्वेदिक जेल है। इसमें बबूल, बकुल, बजदंती, लवंग, अमालाकी, कपूर, निर्गुंडी जैसे अनेकों आयुर्वेदिक औषधियाँ मिलाई गई हैं। और आइए जान लेते हैं इसके यूजेज के बारे में। गमटोन जेल का इस्तेमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल दांतों और मसूड़ों की समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है। मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों में सूजन या दर्द होना, इसके अलावा दांतों से खून आना, दांत कमज़ोर हो जाना या दांतों में पीलापन, कैविटी हो जाना, इन सबको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दांतों में कीड़े लगना, इन सबको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मुंह से अगर बदबू आ रही हो तो उसे भी दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दांतों और मसूड़ों की समस्याओं के लिए यह बहुत ही बेहतरीन जेल है। यह दांतों और मसूड़ों की सभी समस्याओं को ठीक करता है। दांतों को मजबूत और चमकदार भी बनाता है, दांतों की गंदगी को साफ करता है। तो बहुत ही बेहतरीन ये जेल है। आइए जान लेते हैं इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो गमटोन जेल को जैसे नॉर्मल ब्रश किया जाता है, उसी तरह से इसको दिन में कम से कम 2 बार इस्तेमाल करना चाहिए। और आइए जान लेते हैं गमटोन जेल के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो यह एक आयुर्वेदिक जेल है, इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं देखे गए हैं, तो इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी गमटोन जेल के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।